सो हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी ज्यादा डिटेल्ड में अपना फेवरेट फिबोनाची का स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ठीक है। फिबोनाची टूल गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टॉक मार्केट का टूल है। बट आप लोग सुन के अमेज्ड हो जाओगे, जानते हो क्या है गाइस, कि फिबोनाची स्टॉक मार्केट के लिए कभी बना ही नहीं था, ठीक है। फिबोनाची डे एंड पे है क्या, चलो मैं आपको पहले वो डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा गाइस, बट आज आपको गारंटी दे रहा हूं, इतना प्यार से पढ़ाऊंगा ना कि फिबोनाची से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम अच्छे से घुस जाएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुनना गाइस, सबसे पहले बार बार बात होता है फिबोनाची फिबोनाची फिबोनाची। आखिरकार फिबोनाची है क्या, एकदम सिंपल शब्दों में बोला जाए ना गाइस, स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है, पूरा मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो सिमिलरली फिबोनाची क्या है, फिबोनाची एक नंबर्स का सीरीज है। कौन से नंबर का सीरीज है, क्या है, चलो दो मिनट में आपको इंट्रोडक्शन में समझाता हूं। आप एक बार गूगल करके देखना एग्जांपल ऑफ फिबोनाची सीरीज, आपको नंबर्स का काफी सारे एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। अब वो नंबर्स क्या है, एग्जांपल क्या है, चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। मान करके चलो फिबोनाची आखिरकार होता क्या है, फिबोनाची सीरीज का जब भी बात आता है होता क्या है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, फिबोनाची सीरीज आपका स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो वन वन टू थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन थर्टी फोर फिफ्टी फाइव, ऐसे करके ये नंबर सीरीज आगे कंटिन्यू होते जाता है, 89 डॉट 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 डॉट, और ये इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, मनीष भाई क्या ये नंबर्स हम लोगों ने रैंडमली लिख दिया है क्या? नहीं, रैंडमली बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज रैंडमली नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। ये नंबर्स कहां से आया, सिंपल समझो, पहले फिबोनाची स्टार्ट हुआ जीरो और वन से, ठीक है। अब जीरो और वन को ऐड किया गया, ऐड मतलब प्लस किया गया, जीरो और वन को जब आप प्लस करोगे क्या निकल के आएगा, वन निकल के आएगा। तो देखो वन रिजल्ट आया, अब क्या किया गया, ये वन को इस वन से प्लस किया गया, तो रिजल्ट क्या आया, टू निकल के आया। देखो टू आया, ये टू को ये वन से प्लस किया गया, रिजल्ट क्या निकल के आया, थ्री निकल के आया। फिर थ्री को टू से प्लस किया गया, रिजल्ट क्या निकल के आया, फाइव निकल के आया। फाइव को एट से प्लस किया गया, रिजल्ट क्या निकल के आया, एट निकल के आया। एट को फाइव से प्लस किया गया, रिजल्ट थर्टीन। थर्टीन को एट से, रिजल्ट ट्वेंटी वन। ट्वेंटी वन को थर्टीन से, रिजल्ट थर्टी फोर। थर्टी फोर को ट्वेंटी वन से, फिफ्टी फाइव। फिफ्टी फाइव को थर्टी फोर से, एटी नाइन। और ये कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। मतलब क्या, फिबोनाची का पहला दो नंबर क्या है, जीरो और वन, ठीक है। दुनिया का कोई भी नंबर का अगर मैं आपसे पूछूंगा स्टार्टिंग कहां से होता है, आप ऑटोमेटिकली बोल दोगे हाँ मनीष भाई जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन से नंबर स्टार्ट होता है। तो सिमिलरली फिबोनाची सीरीज कैसे स्टार्ट हुआ, जीरो और वन से। अब क्या हुआ, जीरो प्लस वन, रिजल्ट आ गया वन। अब इस वन को इस वन से ऐड कर दो, रिजल्ट आएगा टू। अब इस टू को इस वन से ऐड कर दो, रिजल्ट आएगा थ्री। मतलब क्या, लेटेस्ट का दो नंबर को ऐड करो आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर लेटेस्ट का दो नंबर को ऐड करो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। अब ये हो जाते हैं जेन्युइन वे में इनको फिबोनाची सीरीज बोला जाता है, फिबोनाची नंबर्स बोला जाता है। अब इनमें से ना गाइस कुछ कुछ नंबर ड्राइव होके आया, वो नंबर्स क्या क्या है, जीरो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सेवन, ऐसे ऐसे ये सब नंबर ड्राइव होके आया। ये नंबर कहां से आया, ये नंबर भी इन्हीं सीरीज में से ही आया है। अगर आप जानना चाहते हो ये नंबर कहां से आया, फिबोनाची का हिस्ट्री क्या है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, ऊपर आपको आई बटन पे दिख जाएगा। आज इस वीडियो का मोटिव क्या है कि आप जेन्युइन वे में फिबोनाची को यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। यहां तक आपको एक एक चीज क्लियर है गाइस, और अभी आपको एनर्जी देख के समझ में आ रहा होगा कि आज आप कितना कुछ सीखने वाले हो, तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक पहले ही कर दो, ठीक है। अब स्क्रीन पे चलते हैं, बैक टू स्क्रीन चलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा स्क्रीन। अब जानते हो गाइस फिबोनाची इतना फेमस कैसे हो गया, ठीक है। अब देखो यार, दुनिया में क्या है ना, दुनिया में सबसे समझदार लोग कहां होते हैं, दुनिया में सबसे समझदार लोग स्टॉक मार्केट में होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ना गाइस, फिबोनाची एक ऐसा टूल था ना जो दुनिया में हर जगह यूज किया जा रहा था। हर जगह मतलब क्या, मैं अगर आपको दिखलाऊं आप अमेज्ड हो जाओगे देख के। ये रहा फिबोनाची के एग्जांपल। आप देखो दुनिया में कोई चीज है क्या जहां पे फिबोनाची का यूज नहीं किया जा रहा है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखो ना, आपका फिंगरप्रिंट, ये जो फिंगरप्रिंट होता है ना, इसमें भी फिबोनाची यूज होता है। आपका ये सूर्यमुखी फूल, अपन जिसको बोलते हैं सनफ्लावर का फूल बोलते हैं हम लोग, आप देखो उसमें फिबोनाची यूज किया जाता है। पेड़ का स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, अगर आप पेड़ का स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे फिबोनाची ड्रॉ करोगे आपको पता चलेगा, ये देखो पेड़ के स्ट्रक्चर में भी फिबोनाची यूज किया जाता है। आप देखो समुंदर में जो सेल वाला मछली होता है या फिर सेल वाला कुछ भी होता है, आप देखो उसमें भी फिबोनाची यूज किया जा रहा है। इतना ज्यादा पावरफुल टूल है। अगर दुनिया में हर जगह फिबोनाची यूज किया जा रहा था ना, तो यार
स्टॉक मार्केट के लोगों को लगा अरे यार तो हमारे चार्ट में क्या कमी है, चार्ट में भी फिबोनाची यूज करके दिखलाओ, तब जाके फिबोनाची चार्ट में यूज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब बात आता है कि आप जब भी फिबोनाची का बात कर रहे हो ना, आप डायरेक्टली फिबोनाची को कभी यूज नहीं कर सकते हो। जब तक से आपको मार्केट का बिहेवियर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप फिबोनाची को यूज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, फिबोनाची क्या चीज में हेल्प करता है गाइस, पहले दिमाग लगाओ, फिबोनाची क्या चीज में हेल्प करता है? तीन चीज में फिबोनाची हेल्प करता है। सबसे पहले आपने जो प्राइस एक्शन वाइज लेवल बनाया है, उस लेवल के ऊपर दम कितना है वो आपको फिबोनाची कंफर्मेशन देगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकाल के फिबोनाची देगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिबोनाची देगा। और जैसे ही आप फिबोनाची को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाओगे, फिबोनाची आपको बताएगा कि यार मार्केट इतना रिट्रेसमेंट कर दिया है तो सही रिट्रेसमेंट है, इससे ज्यादा अगर कर दिया है तो रिट्रेसमेंट गलत है, मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करेगा। सब चीज में अभी आपको बताता हूं। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये सारा चीज यहाँ पे आपको दिखता होगा, सबसे पहले फिबोनाची। ठीक है, बट स्टार्टिंग कभी भी फिबोनाची से करना ही नहीं चाहिए। स्टार्टिंग कहां से करना चाहिए? स्टार्टिंग आपको बिहेवियर से करना चाहिए। ये पुराना चीज सारा हटाओ। ठीक है, लो मैं आप लोगों के लिए चार्ट पूरा क्लियर कर दिया, अब समझते जाना। ठीक है, मैं करता हूं इसको नीचे, यहां पे फ्रेश आपको समझाऊंगा। ये सब चीज हटा दो, फ्रेश समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, बेसिकली मार्केट मूव कैसे करता है? मार्केट क्या ऐसे मूव करता है क्या? ऐसे मूव करता है क्या? सोच के देखो, ऐसे मूव करता है क्या? नहीं करता है। मार्केट कैसे मूव करता है? कुछ टाइम चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। इस टाइप का मार्केट मूव करता है, ये मार्केट का जेन्युइन मूव होता है। ठीक है, सिमिलरली जब मार्केट गिरता भी है तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही गिरता है, ये ऐसे कभी अपसाइड डाउनसाइड ऐसे करके गिरता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल कंडीशन में देखोगे आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जब आप थोड़ा मार्केट को थोड़ा डिटेल में समझने लगोगे, जैसे ही थोड़े से एडवांस लेवल पे जाओगे, आप मार्केट को कैसे डिकोड करोगे? ऐसे डिकोड करोगे। ठीक है, मान लो मार्केट चारा गिरा, चारा गिरा, चारा गिरा, आप मार्केट को कैसे डिकोड करोगे? आप में से यूजुअली लोग इसको क्या बोलोगे? मनीष भाई मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड मतलब क्या? एक पर्टिकुलर साइकिल है मार्केट का जो अप तरफ मार्केट को लेके जा रहा। अब इस पर्टिकुलर साइकिल में आपको क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा? सबसे पहला चीज ऑब्जर्व हो रहा कि मनीष भाई मार्केट यहां पे लो लगाया, नया लो लगाने आया क्या? पुराना लो को तोड़ा क्या? तोड़ा क्या? आपसे पूछ रहा हूं, तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। फिर मार्केट नया लो लगाया, क्या मार्केट पुराना लो को तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। साथ में और आपको क्या दिख रहा है? अरे मनीष भाई हर बार मार्केट नया हाई भी लगाते जा रहा है, हर बार मार्केट नया हाई भी लगाते जा रहा। ठीक है, तो आप एज ए ट्रेडर आप क्या वेट करोगे? आप दो चीज का वेट करोगे। क्या चीज का वेट करोगे आप? एक चीज ये वेट करोगे कि यार यहां पे मार्केट आए, यहां से मार्केट दोबारा जब ऊपर जाने लगेगा आप यहां पे एंट्री करोगे, आप यहां का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लोगे। अब आप बोलोगे यार मनीष भाई सब चीज तो आपने अभी तक सही बोला, बट जहां बात आया स्टॉप लॉस का आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगा। बात सुनना, मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो आप एज ए ट्रेडर, आपको पता है मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको बाइंग ऑन डिप का मार्केट है, जब मार्केट डिप लगाएगा तब आपको बाइंग करना है। ये इंटरमीडिएट ट्रेडर ये करते हैं, जो बच्चे ट्रेडर होते हैं, जो बिगनर होते हैं, वो टॉप को बाइंग कर लेते हैं, वो गलती है। इंटरमीडिएट ट्रेडर क्या करते हैं? डिप को बाइंग करते हैं। आने वाले टाइम में इसके ऊपर डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको, आप बस प्यार दिखलाते जाओ। समझना, मार्केट डिप लगाया, यहां पे आपने बाइंग किया। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड मैं अपने आप से पूछता हूं, वेयर इज माई स्टॉप लॉस? मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अगर नहीं पूछते हो आप अपने आप से पूछना। मान लो मैंने अपने आप से पूछा, ठीक है, तो मेरे को आंसर मिला कि माई स्टॉप लॉस शुड बी बिलो दिस लाइन। जैसे ही मार्केट इस लाइन के नीचे जाएगा मेरे को अपना लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आप बोलोगे यार मनीष भाई ये आपने कैसे डिसाइड किया? एकदम सिंपल है गाइस, बिहेवियर को देखिए। क्या है बिहेवियर? अप गया डाउन लगाया, अप गया डाउन लगाया, अप गया डाउन लगाया। एक बार भी मार्केट अपना पुराना लो को तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। यानी बिहेवियर क्या है कि मार्केट एक बार भी पुराना लो को नहीं तोड़ा और मार्केट धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा। इमेजिन अ कंडीशन, अगर मार्केट अब इस पर्टिकुलर के नीचे आएगा, यानी मार्केट क्या किया? अपना पुराना लो को तोड़ दिया। जो मार्केट का बिहेवियर था, बिहेवियर चेंज हो गया। तो जो मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक था कि यार मार्केट का बिहेवियर पॉजिटिव है, वो लॉजिक फेल हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहां तक क्लियर है कि आप सभी को क्लियर है? क्लियर है तो एक काम करना, कॉपी में नोट डाउन करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, मान लो जो बुलिश ट्रेड लिया उसका स्टॉप लॉस हुआ वहां पे, अब थोड़ा और अच्छा एडवांस लेवल पे जाते हैं। अब मान लो ओवरऑल अगर आप मार्केट को समझोगे अच्छा से, अब चेंज क्या हो रहा है इसमें? जब चेंज का बात करते हैं, मार्केट ब्रेक किया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे है, मार्केट इसका सपोर्ट लिया, ऊपर गया और फिर नीचे गिरा। जो अभी तक हम लोग को मार्केट हायर लोज में दिख रहा था, हायर लोज में दिख रहा था, हायर लोज में दिख रहा था, अब मार्केट क्या में कन्वर्ट हो गया? अब मार्केट कन्वर्ट हो गया, देखो लो, ये हाई का लो लगाने लग गया।
अब मार्केट हमारा लोअर हाइज में कन्वर्ट हुआ, लोअर हाइज में कन्वर्ट हुआ, हाँ या ना? जैसे ही लो टूटा अब हम लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि अब हम लोग डाउन तरफ का ट्रेड लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये एकदम बेसिक्स मैंने बताया गाइस, ये बेसिक है बिहेवियर का ऊपर, ये बेसिक है, इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच, ये एकदम बेसिक है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत एडवांस लेवल में मैं आपको पढ़ा सकता हूं, इसके ऊपर मैं पढ़ा सकता हूं एंट्री कैसे लेना है, इसके ऊपर मैं आपको पढ़ा सकता हूं एग्जिट कैसे लेना है, इसके ऊपर मैं आपको पढ़ा सकता हूं पार्शियल एंट्री पार्शियल एग्जिट कैसे करना है। बट अभी मैं उस टॉपिक्स में नहीं जा रहा हूं, आपको डिटेल में चाहिए आप कमेंट करना, मैं पढ़ा दूंगा। बट अगर आपको यहां तक समझ में आया ना, आप बिलीव कर लो आपने फिबोनाची को आधा समझ लिया। अब आप बोलोगे यार मनीष भाई अभी तक तो फिबोनाची का बात ही नहीं हुआ, तो फिबोनाची अपन समझे कैसे? सुनना, ये सारा चीज को हटा रहा हूं, सुनना थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सुनना, मजा आएगा, ठीक है। अभी देखो गाइस, आपके दिमाग में एक चीज गया क्या? एक चीज जाना चाहिए कि मनीष भाई अगर खाली इतना दूर का बात किया जाए, इतना दूर का बात करते हैं, मार्केट अप गया, पर्टिकुलरली कुछ लेवल पे रिटेस्ट करने आया और फिर यहां से बुलिश हो गया, ठीक है, फिर मार्केट अप गया, पर्टिकुलरली कुछ लेवल पे रिटेस्ट करने आया, फिर मार्केट बुलिश हो गया, फिर मार्केट अप गया, पर्टिकुलरली कुछ लेवल पे रिटेस्ट करने आया, फिर मार्केट बुलिश हो गया, ये बार बार हो रहा। तो भाई मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सोचा क्या है, अरे यार ये कितना पॉइंट पे रिटेस्ट करने आता है, कितना पॉइंट पे रिटेस्ट करने आता है, और क्या पता मार्केट गया रिटेस्ट करने आया, हल्का सा ऊपर गया फिर गिर गया, ऐसा भी केस पॉसिबल है क्या? कभी दिमाग में गया क्या, अरे मनीष भाई देखा जाए तो यहां पे भी तो रिट्रेसमेंट चल रहा, मतलब क्या मार्केट गिरा, पर्टिकुलर लेवल पे रिटेस्ट किया फिर गिर गया, ये कितना से रिटेस्ट करके गिर रहा है, ये कितना से रिटेस्ट करके चहर रहा है, ये सब कौन बताएगा? प्राइस एक्शन तो बताएगा, बट प्राइस एक्शन के साथ वहां पे फिबोनाची का कंफर्मेशन हम लोगों को ये चीज बताता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, अब चलो फिबोनाची के ऊपर चलते हैं, देखो ठीक है, अब चलो फिबोनाची के ऊपर चलते हैं, ओके। जब भी फिबोनाची का बात किया जाता है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ये रहा फिबोनाची, ठीक है। अब जब भी फिबोनाची का बात करते हो, फिबोनाची में बहुत सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कॉमनली, यहां पे देखो कौन कौन से नंबर है, 0, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.1, ठीक है, जिसको आपको 0.1 बोल रहा हूं, सॉरी 1, ठीक है। अब यहां पे इन सब नंबर्स को आप लोग देखो, अब कितने टोटल नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर टोटल हो गए, ठीक है। अब इन सात नंबर में से क्या सातों को इंपॉर्टेंस देंगे क्या? नहीं देते, ठीक है। फिबोनाची में मैं पर्सनली क्या मानता हूं कि फिबोनाची का 0.6 और 0.5 मेरे लिए गोल्डन नंबर्स है, क्या नंबर्स है, गोल्डन नंबर, ठीक है। फिबोनाची 3 मेरे लिए क्या नंबर है, बूस्ट अप नंबर, क्या नंबर है, बूस्ट अप नंबर, ठीक है। 0.3 मेरे लिए क्या नंबर है, बूस्ट अप नंबर, और उसके अलावा जितने नंबर है ना गाइस मेरे लिए कोई नंबर इंपॉर्टेंस नहीं है। 0.7 को कभी कभी इंपॉर्टेंस दे देता हूं लास्ट लाइन ऑफ डिबेट के तौर पे, ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मान लो, लास्ट लाइन ऑफ डिबेट मान लो, फिबोनाची 0.7 को दे देते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर है, 0.5 और 0.6, ठीक है। अब ये नंबर्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना यार मनीष भाई ये नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहे, एकदम सिंपल शब्दों में बता दो, बेसिकली ये नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहे गाइस कि यार 0.5 मतलब 50%, 0.6 मतलब 60%, 0.3 मतलब 30%, 0.7 मतलब 70%। क्लियर हुआ, नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे, नंबर्स परसेंट में रिप्रेजेंट कर रहे। अब एक और क्वेश्चन आएगा, अरे मनीष भाई किसका परसेंट रिप्रेजेंट कर रहे वो बताओ, चलो बताता हूं, पूरा बोर्ड को हटाओ, क्लियर करो, ठीक है। मार्केट बुलिश होकर अप तरफ गया, ठीक है, मान लो ये हुआ 100% मूव, मान लो ये हुआ बायर्स का 100% मूव, ठीक है। अब जब ये मार्केट नीचे आएगा ना, मान लो यहां तक नीचे आया, इसका सेंटर तक नीचे आया, तो आप क्या बोलोगे, जो सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए वो कितना परसेंट नीचे लेके आए, वो 50% नीचे लेके आए। ये 50% कौन बताएगा कि कितना परसेंट गिरा है, ये 50% बताता है फिबोनाची। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अगर फिबोनाची लगा के दिखलाऊं यहां से, ठीक है, यहां तक मैंने फिबोनाची लगा दिया, आप देखो मैंने रैंडमली फिबोनाची को लगाया है, रैंडमली मैंने लगाया, आप देखो उसके बावजूद फिबोनाची का 0.6 को सपोर्ट मिल रहा है, यानी ये जो बायर्स मार्केट को 0 से 100 लेके गए, सेलर्स मार्केट को ऑलमोस्ट 60% लाकर ड्रॉप कर दिए। अकॉर्डिंग टू फिबोनाची साइकिल मार्केट को क्या करना चाहिए, अब मार्केट को यहां से ऊपर चढ़ना चाहिए। ये एक बेसिक रूल से फिबोनाची का जो अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस फिबोनाची यूज करने का दो तरीका होता है,
सबसे पहला तरीका होता है, बेसिक से भी आपको बता रहा हूं, फिर उस दो तरीका के अंदर काफी सारे तरीके होते हैं, दो तरीका होता है। सबसे बेसिक जो तरीका होता है वो होता है टॉप टू बॉटम, दूसरा होता है बॉटम टू टॉप। ये दो तरीका होता है फिबोनाची यूज करने का। अब कैसे यूज करते हैं, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन तरफ है, डाउन तरफ है, तो फिबोनाची को हम लोग टॉप पर लगाते हैं और ड्रैग करके बॉटम पे लाते हैं, ठीक है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अप तरफ है तो फिबोनाची को बॉटम पे लगाते हैं और ड्रैग करके टॉप तरफ लाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आप बोलोगे मनीष भाई एक दो एग्जांपल दिखला दो, अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ये रहा चार्ट, अभी आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा गाइस, ठीक है। ये रहा, चलो 1 आवर के चार्ट में ही समझा देते हैं, ओके। ये रहा 1 आवर का चार्ट, लेटेस्ट प्राइस एक्शन पे ही चल लेते हैं, यहीं पे चल लेते हैं, ओके। अब आप देखो हमेशा क्या देखना है, फिबोनाची यूज करते वक्त हमेशा क्या देखना है, लेटेस्ट में कहां से रैली आया है, क्या देखना है, लेटेस्ट में कहां से रैली आया है, समझना। आप देखो पहले जो मैंने आपको बिहेवियर पढ़ाया, पहले बिहेवियर देख लो, आप बिहेवियर देखो, यहां पे मार्केट का बिहेवियर क्या था, अप डाउन। देखो एक जगह बेस बनाया, बनाया क्या, नया लो लगा पाया क्या, मार्केट नया लो लगा पाया क्या, नहीं लगा पाया। उसके पहले का आप यहां का कंडीशन देखो, उसके पहले आप यहां पे कंडीशन देखो, हर बार मार्केट क्या कर रहा था, फॉल किया लो लगाया, फिर फॉल किया फिर लो लगाया, फिर फॉल किया फिर लो लगाया, फिर फॉल किया फिर लो लगाया। हर बार मार्केट का बिहेवियर क्या था, हर बार नया लो लगा रहा था, हर बार नया लो लगा रहा था, लगा रहा था। एज अ ट्रेडर व्हाट वी नीड चेंज इन कैरेक्टर। क्यों चेंज इन कैरेक्टर, चेंज इन कैरेक्टर में छोटा स्टॉप लॉस रहता है, बड़ा टारगेट रहता है। आप देखो यहां पे क्या हुआ, मार्केट फॉल किया, कैरेक्टर क्या था, इसको तो इसका लो के नीचे क्लोजिंग देना था ना। कैरेक्टर क्या था, पीछे का कैरेक्टर क्या चल रहा था, हर बार लो के नीचे क्लोजिंग, हर बार लो के नीचे क्लोजिंग, हर बार लो के नीचे क्लोजिंग। यहां पे लो के नीचे क्लोजिंग दे पाया क्या, नहीं दे पाया। तो आप देखो यहां पे हम लोगों को कैरेक्टर चेंज होता हुआ दिखा, अप गया रिटेस्ट किया, ठीक है। कैरेक्टर चेंज क्योंकि हर बार नया लो बन रहा था, बट इस बार नया लो नहीं बना, मार्केट हाई लगा दिया। फिर लो देखो इसके ऊपर, ये लो हमारा नया लगा, फिर लो का हाई लगते जा रहा, लो का हाई लगते जा रहा, लो का हाई लगते जा रहा। ये पर्टिकुलर चीज समझ में आया कि कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैसे ट्रेंड चलता है, कैसे, ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप खुद बताओ, 2 मिनट का टाइम लगे कमेंट और लाइक करके बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसके ऊपर गाइस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको 2 घंटा का फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दे सकता हूं, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है, बट मैं आपसे क्या चाहता हूं, एटलीस्ट इस वीडियो पे 5000+ लाइक कर दो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे यार मनीष भाई इतना चीज तो समझ में आ गया, मेन टॉपिक तो फिबोनाची है ना, फिबोनाची कैसे यूज करेंगे, समझो, ठीक है। पुराना सारा चीज रिमूव, फिबोनाची मैंने लिया, अब आप खुद देखो लेटेस्ट में रैली कहां से आया, ये बॉटम से जहां तक का लेटेस्ट का टॉप था मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। ये मेरा प्राइस पे जाना है गाइस, लेटेस्ट बॉटम प्राइस, कैंडल पे मत जाओ। प्राइस कौन बताता है आपको, प्राइस हाई है कि लो है, ये कौन बताता है, ये विक्स बताता है। आप देखो यहां पे विग, आप देखो यहां पे विग लोएस्ट प्राइस रिप्रेजेंट किया, लोएस्ट प्राइस, तो उस समय जब मार्केट ऊपर गया ये मेरा हाईएस्ट प्राइस बना, ये बना, मैंने फिबोनाची कनेक्ट किया। आप देखो मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया, पूरा ऊपर गया, फिबोनाची का 0. किसका सपोर्ट लिया, 0.6 का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। आप दसी मार्केट ऊपर गया, अब आप क्या करोगे, फिबोनाची का 2 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है पुराना सारा चीज हटाओ, एक ऑप्शन है क्या, फिबोनाची को फिर से ड्रॉ करके मैं आपको दिखला देता हूं, लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस, ये नॉर्मल फिबोनाची है, आपको दिखा फिबोनाची का 0.6 और 0.5 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अब आपके पास दूसरा चीज क्या है कि यार मनीष भाई मार्केट जब ऊपर चले गया लो तो सेम रहा, लो तो सेम है, बट बदला क्या, हाई बदल गया कि नहीं बदला, हाई तो अब यहां पहुंच गया, हाँ या ना। तो अब आप क्या करोगे, अब फिबोनाची को चुपचाप फिर यहां पे पकड़ो, ठीक है, एक स्टेप ऊपर कर दो, ये हुआ स्टेप अप, ठीक है, ये हुआ स्टेप अप। आप देखो ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल गया कि जब ये रिट्रेसमेंट करने आया फिबोनाची का 0.6 का, अगेन देखो यहां पे आपको रिट्रेसमेंट दिखा, दिखा, फिर देखो मार्केट फिर ऊपर गया। अब आप बोलोगे मनीष भाई नया हाई तो यहां लग गया, कहां लग गया, नया हाई तो ऑलमोस्ट यहां लग गया, ठीक है। अब आप खुद देखो मैंने फिबोनाची को लिया, फिर एक स्टेप ऊपर करके और एक मैंने ऊपर कर दिया, लगा दिया, लग गया। आप देखो मार्केट जब तक से फिबोनाची का 0.5 0.6 को रिस्पेक्ट दे रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था,
दिस दिन देखो फिबोनाची का 0.5 0.6 के नीचे क्लोजिंग दिया, कितना अच्छा से मार्केट रिटेस्ट करके कंटिन्यूअसली फॉल किया। हम लोगों ने फिबोनाची को देखो आप लोग, हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे हम लोग फिबोनाची को ऊपर लेके गए। ये जेन्युइन तरीका है फिबोनाची को लगाने का, एक बिगनर का तरीका है। थोड़ा सा एडवांस तरीका क्या होता है फिबोनाची यूज करने का वो मैं आपको समझाता हूं। देखो आपको फिबोनाची लेना है, आपको पहले डिसाइड होना चाहिए कि लो क्या है। लो आपका ये दिख रहा, ठीक है, हाई क्या है, लेटेस्ट हाई आपका ये दिख रहा। लेटेस्ट हाई मतलब क्या, मार्केट गिरा, ठीक है, यहां से अपसाइड चढ़ रहा और यहां से ये करेक्शन देने आया है। हम लोगों को यहां का कहानी देखना है, ठीक है। पुराना सारा लेवल सटाओ, फिबोनाची लो सटाओ, ड्रॉ कर दो, ठीक है, ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। ये प्राइस लो, हाईएस्ट प्राइस टू लोएस्ट प्राइस मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है यहां पे, आपको क्या दिख रहा, थोड़ा चार्ट को मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। ये देखो आपको क्या दिख रहा, मार्केट इस प्राइस से इस प्राइस तक गया, ठीक है, हम लोगों ने कनेक्ट किया। अब देखो नीचे गिरा, आराम से अपने को थोड़ा 0.5 0.6 सब थोड़ा 0.3 का सपोर्ट दिखा, फिर मार्केट ऊपर गया, ये नॉर्मल कंडीशन हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा एडवांस कंडीशन समझना है, समझना। फिबोनाची अपन ने लिया लो टू जो भी मेरा हाई है, ठीक है, मैंने इस हाई को कनेक्ट किया, ठीक है, पहले मेरा लो ये था, हाई ये था, अब लो और हाई दोनों बदला। अब मैं फिबोनाची का क्या करूंगा, हाई पे तो मैं फिबोनाची को बार बार ऊपर कर रहा हूं, हाई पे तो मैं बार बार ऊपर कर रहा हूं, बट अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लो को भी ऊपर करूंगा, जिसको मैं पर्सनली बोलता हूं स्टेप अप। मैंने लो को क्या किया, ऐसे ऊपर कर दिया, ये हुआ स्टेप अप। फिर मैंने क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको यहां पे कनेक्ट करूंगा, हाई को जैसे ही मैंने चेंज किया तो मैं लो को भी चेंज करूंगा, ये हुआ लो, लेटेस्ट लो। क्या होते जा रहा, ये स्टेप अप होते जा रहा, ठीक है, ये क्या होते जा रहा, ये स्टेप अप होते जा रहा, ठीक है, ये स्टेप अप होते जा रहा। मतलब क्या कर रहे, जो हमारा लो है लो को भी हम बदल रहे, जो हमारा हाई है हाई को भी हम लोग फिबोनाची में बदल रहे, जो ट्रेंड चल रहा। और ट्रेंड क्या चलता है, ट्रेंड ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। फिबोनाची को अपन क्या करते हैं, लो टू हाई कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दैसी ट्रेंड बदला, ये स्विंग दैसी बदला, हम लोग फिबोनाची को फिर यहां से यहां कनेक्ट करेंगे, फिर यहां से यहां कनेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? आप बोलोगे मनीष भाई लेटेस्ट प्राइस एक्शन में बता दूं, लेटेस्ट प्राइस एक्शन में मैं आपको दिखलाता हूं, ठीक है, लेटेस्ट चार्ट की तरफ चलते, लेटेस्ट चार्ट का प्राइस बहुत ऊपर चल रहा, ये लेटेस्ट चार्ट हुआ। अब आप लोग देखना, मैंने फिबोनाची को लिया, प्राइस रैली कहां से स्टार्ट किया, अप्रोक्सीमेटली प्राइस का रैली स्टार्ट हुआ है यहां के आसपास से, ठीक है। आप में से कोई बोलेगा अरे मनीष भाई प्राइस का रैली तो यहां से स्टार्ट हुआ है, आप में से कोई बोलेगा मनीष भाई प्राइस का रैली यहां से स्टार्ट हुआ है, कुछ भी बोल सकते हो। कंफर्मेशन के लिए अपन क्या करेंगे, पहले प्राइस एक्शन वाइज लेवल बनाओ। कंफर्मेशन के लिए अपन ने क्या किया, प्राइस एक्शन वाइज लेवल देखते हैं। तो मैंने लेवल देखा कि यार प्राइस एक्शन वाइज मुझे ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा, ठीक है, ये लेवल प्राइस एक्शन वाइज मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 44,546 का। अब आप में जो कोई उठ के आया क्वेश्चन पूछने लगे, अरे मनीष भाई 45,546 का लेवल इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, 45,560 का लेवल इंपॉर्टेंट दिख रहा, कोई उठ के आया बोला 570 का लेवल इंपॉर्टेंट दिख रहा, मैं बोलूंगा रुको यार, एक काम करते हैं ना, एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं, फिबोनाची लेते हैं, ठीक है, लो टू हाई कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये रहा लो टू हाई कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये लो टू हाई कनेक्ट हो गया। अब आप लोग देखो यहां पे, इसको अब क्या किया अपन, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिए ये लेवल। अब अपने को क्या पता लगा, परफेक्ट लेवल क्या है हम लोगों के लिए, ये फिबोनाची का आपको दिखेगा, जहां से मार्केट बुलिश रैली करना स्टार्ट किया है, जहां तक मार्केट बुलिश रैली किया है वहां पे फिबोनाची का 0.5 का लेवल है, ठीक है। अब आप बोलोगे मनीष भाई ये तो समझ में आ गया, डाउन तरफ के लिए अप तरफ के लिए कैसे ट्रेड लेंगे, डाउन तरफ तो समझ में आ गया कि अब एनी क्लोजिंग बिलो दिस एरिया फिबोनाची का 0.5 का लेवल टूटेगा, अपन डाउन तरफ ले सकते हैं। अप तरफ लेने के लिए क्या करेंगे, पुराना सारा हटाओ, फिर देखो, फिर फिबोनाची लो हाई टू लो कनेक्ट कर दो, ठीक है, 1-2-0 लेके चलो, ये रहा। अब आप लोग देखो खुद दिख रहा आपको, प्राइस एक्शन वाइज भी ये एरिया इंपॉर्टेंट दिख रहा, दिख रहा आपको, वही पे फिबोनाची का 0.5 का लेवल है। यानी क्या, ये जो सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए हैं, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए हैं, वो दैसी 0.5 के ऊपर जाएंगे, वो दैसी 0.5 के ऊपर जाएंगे। ये सेलर्स का 50% का एरिया टूट गया, यानी क्या, सेलर्स 50 गुना हार चुके हैं,
तो यहां से बहुत ज्यादा उम्मीद है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसे मैंने आपको फिबोनाची डाउन तो अप कनेक्ट किया, अपने को इंपॉर्टेंट सपोर्ट पता लगा ये एरिया, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पता लगा ये एरिया में, जब तक से रहेगा वोलेटिलिटी रहेगा, इसके ऊपर अपसाइड, इसके नीचे डाउनसाइड। कौन बताया मेरे को? प्राइस एक्शन तो बताई बट कंफर्मेशन कौन दिया? फिबोनाची मेरे को कंफर्मेशन दिया। ठीक है, अब फिबोनाची यूज करने का दो तरीका होता है गाइस, ठीक है वो चीज समझना। ओके, मैं आपको दोनों तरीका यूज करके दिखला रहा हूं। सारा ड्रॉइंग मैंने रिमूव किया, फिर से समझो फिबोनाची लेटेस्ट लोएस्ट प्राइस, ये लोएस्ट प्राइस जहां से रैली स्टार्ट हुआ टू हाईएस्ट प्राइस, मैंने ऐसे ड्रॉ किया। सबसे पहले मेरे को क्या दिखा यहां पे? मेरे को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखा, सपोर्ट दिखा, सपोर्ट का प्राइस मेरे को पता चला, इसके नीचे मार्केट जाएगा, मैं अगेन डाउन तरफ का ट्रेड लूंगा। अब आप बोलोगे यार मनीष भाई ये तो दिख गया, जब भी सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है डाउन टू अप कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? वन, आप देखो यहां पे वन दिख रहा, वन टू जीरो कनेक्ट होगा जब आप एडवांस वे में यूज करोगे, वन टू जीरो कनेक्ट होगा। अब इसको रिमूव करो, ठीक है। अब जब फिबोनाची को हम लोगों को यूज करना है रेजिस्टेंस के लिए, टू टॉप टू बॉटम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। प्राइस एकदम परफेक्ट होना चाहिए गाइस, प्राइस में 19-20 नहीं होना चाहिए, ये दो प्राइस एकदम परफेक्ट। अब ये हम लोगों को रेजिस्टेंस पता चला, ठीक है, ये रहा रेजिस्टेंस। तो अब अपने को क्या पता चल गया? फिबोनाची की हेल्प से ये अपने को रेजिस्टेंस पता लग गया, नीचे हम लोग को इसके पहले सपोर्ट पता लग गया था, ये बीच का एरिया अपने लिए क्या हो गया? ये नो ट्रेडिंग एरिया हो गया, इसके ऊपर बुलिश एरिया, इसके नीचे बेरिश एरिया। ये होता है गाइस फिबोनाची का सही तरीका यूज करने से। जब आप एज अ बिगनर यूज करोगे, आप कैसे यूज करते हो? जब एज अ बिगनर यूज करोगे आप नॉर्मल फिबोनाची को लो टू हाई कनेक्ट करते हो, बस वो तरीका नहीं है गाइस। आपको ट्रेंड के साथ, आपको वन से जीरो कनेक्ट करते हुए ट्रेंड के साथ चलना है, ऊपर मार्केट पहुंचा फिर वन टू जीरो कनेक्ट करते हुए ट्रेंड के साथ चलना है, ये सही तरीका है फिबोनाची को यूज करने का। एक और तरीका क्या होता है फिबोनाची को यूज करने का, वो भी समझाता हूं। देखो फिबोनाची लो टच करो, इसको ऊपर करो, ये देखो ये एक तरीका और होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं आप खुद देखो, इसमें हम लोग फिबोनाची का जीरो टू वन कनेक्ट करते हैं। जब आप नया नया फिबोनाची को कर रहे हो, एज अ बिगनर कर रहे हो, सबसे सही तरीका है, ठीक है, कि आप इसको यूज कर सकते हो। बस इसमें क्या दिक्कत होता है ना, फिबोनाची हम लोग का इस तरफ पूरा प्लॉट हो जाता है, इस तरफ पूरा प्लॉट हो जाता है। आप देखो यहां पे भी आपको फिबोनाची का 0.5 का ही लेवल दिख रहा, हाँ या ना। अब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखलाता हूं। अब आप इसको इस वे में ड्रॉ कर दो, अब आप इसको इस वे में ड्रॉ कर दो, ये रहा इस वे में ड्रॉ कर दो। अभी हम लोगों ने फिबोनाची का क्या कनेक्ट किया? अभी तो अपने वन से जीरो कनेक्ट किया। अब आप देख लो आपको अभी भी 0.5 दिख रहा, हाँ या ना। तो सही तरीका क्या है ड्रॉ करने का? थोड़ा एडवांस लेवल में ड्रॉ करो। आप क्या ड्रॉ करो? आपको वन वन से जीरो पहुंचना है, आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, हर बार ऐसे ड्रॉ करो। ये था गाइस एक थोड़ा सा बेसिक से ऊपर वीडियो फिबोनाची के ऊपर। अच्छा लगा आपको? अगर अच्छा लगा, 2 मिनट का आपका टाइम लगेगा, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करो। और अगर इस वीडियो पे 5000 प्लस का लाइक आ जाता है, मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लस फिबोनाची को कैसे यूज करना है वो डिटेल में समझाऊंगा। और एक चीज गाइस, द चार्टिस्ट का कंप्लीट इक्विटी टू ऑप्शंस ग्रोथ प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन चालू है गाइस, जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। काफी स्पेशल बैच है गाइस, हर एक चीज कवर करने वाला हो मार्केट के ऊपर, तो जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। 9000 रुपए का बैच है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हो एक कूपन कोड यूज कर लेना flat4553, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या कूपन कोड है? दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है, कूपन कोड है flat4553, आपको 4500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा 9000 रुपए के कोर्स में, और आप इंजॉय कर सकते हो, आप सीख सकते हो, काफी कुछ पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट 5000 लाइक पूरा कर दो और कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस।